हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिले, रिले क्या होता है। आज हम रिले के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि रिले होता क्या है और रिले के कैसे काम करता है और सर्किट में इसको कैसे संयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो रिले हम आपको बता दें कि ये ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम ऑटोमेटिक स्विच की तरह इसको यूज करते हैं, जो कि ऑटोमेटिक मैनुअली ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वन वे स्विच होता है, टू वे स्विच होता है, इन लोगों को मैनुअली ऑन या ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, मगर इसको मैनुअली ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें दो सप्लाई दिए जाते हैं, जो कि एक सप्लाई को ऑन ऑफ किया जाता है, जो कि एक कॉमन पॉइंट और एनओ एनसी पे जोड़ा जाता है, और ये जो दो दूसरी सप्लाई जो होती है बैटरी की, उसको हम रिले को ऑपरेट करने के लिए देते हैं। रिले को हम ऑटोमेटिक स्विच भी कहते हैं। ठीक है, रिले को हम ऑटोमेटिक स्विच भी कहते हैं और रिले को हम एक विद्युत स्विच भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत स्विच भी कहते हैं। रिले की सहायता से हम स्विचिंग का काम करते हैं। इसमें तो रिले को हम सबसे पहले जानते हैं कि रिले को हम किस सप्लाई से हम संयोजित करते हैं। मेरे पास एक ही प्रकार का रिले है। रिले वैसे कई प्रकार के होते हैं, तो रिले को हम बता दें कि एसी सप्लाई से भी जोड़ा जाता है और डीसी सप्लाई से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, एसी सप्लाई में क्या होता है, एसी सप्लाई में एक 110 वोल्ट का होता है, ठीक है, और एक 220 वोल्ट में भी आता है और आगे भी आता है। ठीक है, और डीसी सप्लाई में सबसे कम 5 वोल्ट का आता है, जो कि डीसी सप्लाई से संयोजित होता है। 5 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट, फिर 18 वोल्ट, फिर 24 वोल्ट, ऐसे ही करके सभी रिले आते हैं जो कि डीसी सप्लाई से संयोजित होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास जो है ये 12 वोल्ट ऑपरेट होने वाला रिले है, जिसको हम 12 वोल्ट से संयोजित करते हैं। ठीक है, रिले कई प्रकार के होते हैं, जो कि टर्मिनल पॉइंट के आधार पर हमने चार प्रकार का इसको बताया है। टर्मिनल पॉइंट के आधार पर हम चार प्रकार के रिले को जानते हैं कि रिले चार प्रकार के कैसे होते हैं। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टर्मिनल पॉइंट के आधार पर मैंने चार प्रकार के रिले को बनाया हुआ है। SPDT, ठीक है, सिंगल पोल डबल थ्रो, और फिर SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, और ये जो है DPST, मतलब डबल पोल सिंगल थ्रो, और यहाँ पे DPDT, डबल पोल डबल थ्रो। ठीक है, तो हम सिंगल पोल और डबल थ्रो को समझते हैं, जो कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है ये क्वायल है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई को संयोजित करेंगे। ठीक है, ये 12 वोल्ट का है, जो कि है ये 12 वोल्ट सप्लाई से संयोजित होता है, तो ये 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम जब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा इस क्वायल में, यहाँ पे जो क्वायल लगा हुआ है, तो ये देखिए ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट ये है, ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, ये कॉमन पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये दोनों पॉइंट जो है ये और ये हो गए। ठीक है, ये और ये जो पॉइंट है ये कॉइल का पॉइंट है, जो कि ये है, और ये जो है NC NO। ठीक है, NC का मतलब नॉर्मली क्लोज, NO का मतलब नॉर्मली ओपन। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट का जो ये पॉइंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये NC से जुड़ा होता है, मतलब यहाँ से यहाँ पर एक ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये पत्ती होता है। ठीक है, जो कि हमेशा फ्लेक्चुअली होता है, जो कि सप्लाई देने पे वो हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जब ऐसे नॉर्मली में इसमें जुड़ा होता है, जब इसमें सप्लाई दी जाती है, जब इस यहाँ पर इन दोनों में सप्लाई दी जाती है, प्लस माइनस दिया जाता है, और इसमें कॉयल में जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो ये पत्ती यहाँ से आकर के इसमें संयोजित हो जाता है। ठीक है, जब इसमें संयोजित हो जाता है, तो यहाँ से धारा ऐसे प्रवाहित होने लगती है। हम आपको सर्किट में समझा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये कैसे इसमें जुड़ने के बाद हमको धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ऐसे इसमें होता है। और सिंगल पोल सिंगल थ्रो में आप देख सकते हैं, ये भी इसमें भी यहाँ पे इसे पॉजिटिव दे देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव दे देते हैं। ये जो होता है ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में आते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में आते हैं, और यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट होता है, और NO होता है, जो कि नॉर्मली ओपन होता है। ठीक है, इसमें ये आपस में नहीं जुड़ा होता है, यहाँ से स्प्रिंग लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे इसको संयोजित होना रहता है। ठीक है, तो जब इसमें हम कॉमन पॉइंट पे जब हम जोड़ते हैं और इसमें जब सप्लाई देते हैं, तो ये पॉइंट आके इसे इसमें सट जाता है। जब सट जाता है, तो ये सर्किट को ऑन कर देता है। ठीक है, जब सर्किट को ऑन कर देता है, तो सर्किट आगे का ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने SPST को भी समझा, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो को भी समझा। अब यहाँ पे हमें देखना है डबल पोल सिंगल थ्रो को। ठीक है, तो ये जो आता है, ये हमको
लगभग 12 वोल्ट और 18 वोल्ट में मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी प्लस देते हैं, यहाँ पे भी माइनस देते हैं, यहाँ पर वही कार्यक्रम सब में होता है, हर एक रिले का कार्यक्रम वही होता है। बस यहाँ पे देख सकते हैं ये दो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट, ये दो कॉमन पॉइंट है। रिले हमेशा ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे ये जो पत्ती है ऐसे खुला रहता है, ठीक है, नॉर्मली ओपन रहता है। जैसे हमको दो सर्किट ब्रेक करना है तो हम एक सर्किट को इसमें संयोजित कर देंगे, एक सर्किट को इसमें संयोजित कर देंगे, और जब इसमें हम सप्लाई देंगे तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा और ये भी इसमें जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो दोनों सर्किट ऑन हो जाएंगे, और यहाँ से सप्लाई हटाते ही दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों अपने जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से DPST काम करता है, डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे अगला DPDT, डबल पोर और डबल थ्रो। ठीक है, DPDT हम जब देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब A1 A2, मतलब यहाँ पे प्लस दे दिए, यहाँ पे माइनस दे दिए। ठीक है, जब इसमें प्लस माइनस देते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्लोज पे क्या करना है, जैसे हमको लाइट न होने पे कोई चीज़ को ऑन करना है, जैसे इन्वर्टर होता है, लाइट नहीं रहती है तो इन्वर्टर से काम चलने लगता है, तो नॉर्मली क्लोज पे जुड़ा होता है। ठीक है, और लाइट आते ही नॉर्मली ओपन पे जुड़ जाता है रिले, और यहाँ से जुड़ के अपनी चार्जिंग को बैटरी को चार्जिंग करने लगता है। तो इस प्रकार से नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन दोनों का भी हम यूज कर सकते हैं, इसलिए डबल पोल डबल थ्रो का यूज किया गया है। यहाँ पर डबल पॉइंट को, मतलब दो टर्मिनल पॉइंट है, जो जिसे दो अलग अलग सप्लाई हुए या तो फिर फेज न्यूट्रल हुए, तो इनको भी हम अगर ऑपरेट कराना चाहते हैं दोनों को, तो इसमें से हम ऑपरेट करा सकते हैं नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जब इसमें हम सप्लाई दे देते हैं प्लस माइनस की, जैसे मान लीजिए ये मेरा मान लीजिए 24 वोल्ट का है, तो हम अगर इसमें 24 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं तो ये क्या होगा कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी, और ये इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा और इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो ये पॉइंट इसमें जाके सड़ जाएगा, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे खुल जाएगा, और ये ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ पे खुल जाएगा, इस तरीके से इधर आ जाएगा और सर्किट पूरा होने लगेगा। ठीक है, रिले इस प्रकार से काम करता है, और रिले ऐसे ही होते हैं, और टर्मिनल पॉइंट के आधार पे 16 पिन 18 पिन ऐसे कई पिन के आते हैं। ठीक है, रिले का मेन हमको काम जानना है कि रिले काम कैसे करता है। तो जैसे NO जो होता है नॉर्मली ओपन होता है, और NC जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, और कॉमन टर्मिनल पॉइंट होता है जो कॉमन पे जोड़ा जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं, फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, जिसमें कि हमने एक ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, और यहाँ पे रेक्टिफायर बनाया है, और ये बैटरी लिया हुआ है, जो कि हम सर्किट आपको समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम एक सर्किट और आपको बना के समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करके ही जाएंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो के एंड में आपको फ्रेंड हम कई सारा सर्किट डायग्राम भेज देंगे, जिसको कि आप देखकर पूरी तरह से सर्टिफाई हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, जो कि मैंने रिले को एक्टिवेट कराने के लिए सप्लाई लिया है, जैसे कि हमको कहीं लगाना है इन्वर्टर में, जैसे लगा होता है तो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई को 9 वोल्ट एसी सप्लाई में बदल देता है। ठीक है, 9 वोल्ट एसी सप्लाई में बदलने के बाद ये रेक्टिफायर की सहायता से, रेक्टिफायर जो लगा है इसकी सहायता से हम DC में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए माइनस वाला पॉइंट है और ये प्लस वाला पॉइंट। ठीक है, ये माइनस वाला पॉइंट हमने ले जा करके रिले का जो है, रिले के क्वाइल फर्स्ट पे ज्वाइंट कर लिया है, और यहाँ पे ये जो प्लस वाला पॉइंट है, इस प्लस वाले पॉइंट को ले जा करके हमने रिले के क्वाइल सेकंड पे ज्वाइंट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिले क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। जब हम इसमें सप्लाई दे देंगे तो ये रिले मेरा ऑपरेट होने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास एक बैटरी है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं मेरे पास एक बैटरी है, और मेरे को एक बल्ब जलाना है जो कि ऑटोमेटिक हो, जो लाइट कटने के बाद मेरा बल्ब ऑन हो जाए, लाइट आते ही बल्ब ऑफ हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास बल्ब है, और बल्ब का जो माइनस वाला पॉइंट है हम बैटरी के माइनस वाले पॉइंट के साथ डायरेक्टली जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जो बल्ब का प्लस वाले पॉइंट को ले जाकर हम नॉर्मली क्लोज के साथ यहाँ पे हम संयोजित कर देंगे कि नॉर्मली क्लोज है, मतलब बंद है, सर्किट पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, और बैटरी का जो प्लस वाला पॉइंट है ये ले जाकर हमने देखिए, आप यहाँ पे हमने ये प्लस वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ऐसे ऐसे ले जा करके यहाँ पे हम कॉमन के साथ संयोजित किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक पत्ती लगी हुई है जो कि रोटेट करती है यहाँ से यहाँ तक में। तो अभी तक इसमें मान लीजिए सप्लाई नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने एसी सप्लाई को बंद किया है, अभी तक सप्लाई नहीं है, तो मेरा क्या होगा, बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा सर्किट यहाँ पे जाके ऐसे पूरा हो जा रहा है। ठीक है, और फिर
अगर एसी सप्लाई आ जाती है तो ये संयोजित रहेगा और इसमें तुरंत एसी सप्लाई बहने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे एसी सप्लाई बहेगी, यहाँ से डीसी होने के बाद ये मेरा रिले जो है ये ऑपरेट हो जाएगा। जब ऑपरेट हो जाएगा तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो मेरा पत्ती है, ये तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बना करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा अंदर से, हमने आपको दिखाया था सर्किट में सिंबल में, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये पॉइंट आके NO पे सर जाए, नॉर्मली क्लोज पे जो कनेक्ट था वो पॉइंट हमारा टूट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा ये बल्ब को ऑफ कर देगा, एसी सप्लाई आते ही बल्ब को ऑफ कर देगा और एसी सप्लाई जाते ही ये बल्ब को ऑन कर देगा। तो फ्रेंड हम मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक रिले है, ठीक है, रिले का हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रिले हो गया, ठीक है, ये हो गया क्वाइल फर्स्ट, ठीक है, क्वाइल फर्स्ट और क्वाइल सेकेंड, क्वाइल फर्स्ट क्वाइल सेकंड, ये कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन पॉइंट हो गया और NO हो गया और NC हो गया। ठीक है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। एक मान लेते हैं, एक मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और मेरा 12 वोल्ट का रिले है। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब मेरे को AC सप्लाई है मेरे पास, मान लेते हैं P हो गया और N हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो AC सप्लाई, एक जैसे कि मेरे को एक बल्ब जलाना है, ठीक है, एक बल्ब को ऑपरेट करना है, तो हम यहाँ पे एक बल्ब बना लेते हैं, एक बल्ब हो गया। ठीक है, और इसको हम न्यूट्रल के साथ सीधा कनेक्ट कर देते हैं और बचा फेज। ठीक है, अब फेज को यहाँ से ले जा करके हम सीधा कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये और इसके बाद बल्ब का जो दूसरा सिरा बचा हुआ है इसको हम ले जा करके नॉर्मली ओपन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जब नॉर्मली ओपन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए, अब यहाँ पे बचा क्वाइल फर्स्ट प्लस और क्वाइल माइनस सेकेंड। यहाँ से बैटरी का जो पॉइंट है इसको हम ले जा करके माइनस के साथ क्वाइल सेकेंड के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पे जो क्वाइल फर्स्ट का पॉइंट है इसको ले जा करके हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जब इसको हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम जब ऐसे जोड़ेंगे तो ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, अगर ऐसी सप्लाई होगी 220 वोल्ट तब, ठीक है, और जब भी इसको हटाएंगे तब भी ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये रिले काम करेगा जो नॉर्मली ओपन के साथ ये काम करेगा। ठीक है, नॉर्मली क्लोज के साथ हमने उसमें देखा था, नॉर्मली ओपन के साथ इस सर्किट में हम देख लेंगे और फिर हम आपको वीडियो के लास्ट में कई सारा सर्किट दे देंगे तो आप समझ लेंगे अच्छे तरीके। हम इसके अब उपयोग के बारे में समझ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है और नॉर्मली इसमें कितने टर्मिनल पॉइंट होते हैं। तो फ्रेंड हम बता देते हैं आपको, नॉर्मली इसमें मात्र यही 5 जो टर्मिनल पॉइंट है, ये क्वाइल फर्स्ट क्वाइल सेकेंड, कॉमन, NO NC। ठीक है, नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज। फ्रेंड अगर हमसे कोई पूछता है कि रिले का क्या उपयोग है तो हम उसको सीधी सीधी एक लाइन में जवाब देंगे, कैसे, कि रिले का उपयोग किसी सप्लाई को ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिले का उपयोग जो होता है वो किसी भी सप्लाई हो, चाहे AC सप्लाई हो चाहे DC सप्लाई हो, किसी भी सप्लाई को ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे हम ऑटोमेटिक स्विच भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे हम ऑटोमेटिक स्विच भी कहते हैं। इस तरीके से हम आपको हम किसी को भी बता सकते हैं कि रिले क्या होता है। अगर फ्रेंड आपको वीडियो के प्रति कोई सुझाव देना हो या तो फिर कोई आपको लगे कि नहीं यहाँ पे त्रुटि है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड,